राधिका ऑफिस जा रही हो? जी मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद से चली जाऊंगी। लेकिन खुद से कैसे जाओगी? आपकी गाड़ी दी है ना मैंने सर्विस पे, तो वो तो टाइम लगेगा आने में। मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। और राधिका तुम ऑटो क्यों लोगी जब मेरे पास गाड़ी है? मामा को तो आपको हॉस्पिटल भी ले जाना है ना युग, उनका अपॉइंटमेंट है, तो अब कैसे ले जाएंगे? दोपहर को लेके जाना 3 बजे। मैं तुमको छोड़ के वापस भी आ जाऊंगा ना, उसके बाद भी मेरे पास काफी सारा टाइम होगा। मैं आराम से कॉफी पी के फिर मम्मा को ले जाऊंगा, फिर उनके साथ फिर मैं अपना काम कर लूंगा। और इसी बहाने हम दोनों की थोड़ी ड्राइव भी हो जाएगी। हम लोगों ने इतने टाइम से टाइम भी स्पेंड नहीं किया है, टाइम कहाँ मिलता है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे योग? मैंने कहा ना मैं खुद से चली जाऊंगी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं खुद से ऑटो ले लूंगी। राधिका क्या हो, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ए, क्या ये क्या किया तुमने? गाड़ी ठोक दी। योग योग एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। गुनगुन क्या है इस? मिसेस त्रिवेदी आप तो जानते ना कि गुनगुन अंडर एज है, उसके पास लाइसेंस तक नहीं है, फिर आपने उसे गाड़ी चलाने कैसे दी? आपको इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी है ना इन सारी बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो गुनगुन को लेकर मेरी जो जिम्मेदारियां है ना, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, गुनगुन मेरी बेटी है, उसे कैसे संभालना है ये मुझे अच्छी तरह आता है कि नहीं आता है? पहले खुद को तो संभाल लीजिए, फिर अपनी बेटी को संभाल लीजिए। क्या कहा तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं बोलो, फास्ट बोलो। मैं कुछ नहीं, मैं छोड़िए गुनगुन, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम ये सारी ऊट पटांग की हरकतें किन से सीख रही हो। बहुत गलत कर रही हो तुम गुनगुन, ऐसे गलत इंसान के पदचिन्हों पर चल रही हो तो तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही होगा गुनगुन। इन्हें तो रूल्स तोड़ने की आदत ही, नियमों का उल्लंघन करना इसमें तो मजा आता है, इन्हें शौक है इनका। इन्हें जो करने के लिए ना करो ना वही करते हैं। अगर तुम इनकी तरह बनोगी तो फिर पूरी लाइफ पछताओगी गुनगुन।